Hello students, now come to the part 2. We have already done part 1, now we will do part 2. Now, अभी भी हमारा chapters बाकी है, service in a neighborhood. तो अब तक हमने police station तक हमने पढ़ाई कर ली. Now come to the market. अब market में क्या करते हैं? मम्मी कहाँ जाती है? सब्जी लेने कहाँ जाती है? Market पे जाती है ना? Books लेने, clothes लेने, सब्जी लेने, ये सब कहाँ जाती है? मम्मी मार्केट में जाती है. मम्मी नहीं, पापा भी जाते हैं, राइट? सो वी बाय थिंग्स ऑफ अवर डेली नीड्स लाइक फ्रूट्स, मिल्क, क्लोथ्स एंड बुक्स फ्रॉम द मार्केट. अ मार्केट हैज मेनी शॉप्स. आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए हो, आपने देखा भी होगा कितने सारे शॉप्स होते हैं, राइट? आप मॉल्स में जाते होंगे, राइट? अघोरा मॉल, डी मार्ट, ओशिया, ये सब जगह पे जाते होंगे ना, तो वहां पे आपने देखा है कि कितने सारे चीज रखे हुए है ना, तो आप जाते ही होंगे, राइट? नेक्स्ट वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, बैंक. अब बैंक किसके लिए यूज होता है? अब मम्मी ने कुछ आपके लिए कुछ, मम्मी बोले चलो मेरे बच्चे के लिए मुझे पैसा जमा करना है, तो आप कहाँ मम्मी कहाँ जाती है? मम्मी बैंक में जाती है. उस बैंक वाले हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? वो बोले अच्छा आपको पैसे आपको डिपॉजिट करने, अच्छा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होगा, आपका अकाउंट नंबर दे दो और हम आपका पैसे यहाँ पे जमा कर देंगे. तो वी कीप अवर मनी इन अ बैंक फॉर सेफ्टी. वी कैन ऑल्सो बोरो अ मनी फ्रॉम अ बैंक. अभी आपके पापा ने कोई घर लिया हो या कार लेना हो, तो पापा के पास इतना पैसे तो नहीं होते, तो बैंक बोले नो डोंट वरी अबाउट दैट, हम आपको लोन देंगे, तो आप महीने महीने में उसका ईएमआई भरते रहना. ऐसा भी बैंक हमें प्रोवाइड करती है. ओके, अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पार्क. ऑब्वियसली आप सोचते हैं कब ये कोरोना जाएगा और कब मैं पार्क में खेलूं, है ना? अब पार्क में क्या करते हो? यस, ग्रेड टू स्टूडेंट्स को सबको पता है कि पार्क में हमें क्या सर्विस मिलता है. अ पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू रिलैक्स, प्ले एंड वॉक. पार्क में खेलना कूदना भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है, और लोग वॉकिंग में भी करते हैं, आपने देखा होगा, है ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वर्शिप मतलब मैं आपको बताती हूँ. देखो अभी आपने देखा यहाँ पे चार पिक्चर्स दिए हुए हैं, एक चर्च है, गुरुद्वारा है, टेम्पल है, मॉस्क्यू है. देखो अलग अलग रिलीजियस होता है, अलग अलग रिलीजियस होते हैं. कोई क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं. तो सिख पंजाबी कहाँ जाते हैं? वो गुरुद्वारा में. हिंदू कहाँ जाते हैं? टेम्पल में. और मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मॉस्क में. सबका अलग अलग भगवान होता है, बट हमारा मान्यता में ये है कि सब भगवान एक है, तो सब भगवान को प्रार्थना करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं. क्या करने जाते हैं? भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, है ना? लाइक टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू एंड गुरुद्वारास. नाउ कम टू द पेज नंबर 155. नाउ लिविंग टुगेदर. अगर आपके पड़ोसी हो या कहीं और जगह पे हो, तो हाँ ये मुस्लिम है, हाँ ये हिंदू है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये क्रिश्चियन है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये सिख है, पंजाबी से, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमको उनका रिलीजियंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके कस्टम. अगर उनका फेस्टिवल है तो उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. अभी क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिसमस मनाते हैं, यस, अगर वो सेलिब्रेशन के लिए हमें इनवाइट कर, सेलिब्रेट करने के लिए हमें इनवाइट करते हैं, तो हमें भी उनके साथ एंजॉय करना चाहिए. अगर वो ईद मुस्लिम हो तो ईद सेलिब्रेशन के लिए बुला रहे हो, तो जाना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? उनके साथ एंजॉय भी करना, जो भी हो फेस्टिवल्स तो एंजॉय करना जरूरी है, एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजियंस एंड कस्टम्स ऑफ अवर नेबर्स. सो लिविंग टुगेदर, अगर आपके पड़ोसी मीन्स पंजाबी सिख मीन्स पंजाबी दोनों एक ही है, पंजाबी क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, तो वी शुड ऑल लिव टुगेदर. वी शुड फॉलो दिस सिंपल रूल टू लिव इन अ पीस एंड हार्मनी इन अवर नेबरहुड. सो पहला पॉइंट क्या है? वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजियंस एंड कस्टम्स ऑफ अवर नेबर्स. सेकेंड, वी मस्ट सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर. और अगर आपका नेबरहुड है
नेबरहुड कहीं पे भी हो तो वहां पे कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमारा नेबरहुड हमेशा क्लीन होना चाहिए। अगर आपको ग्लासेस दिखा रहे प्लास्टिक, तो आपने ऐसा नहीं कि मंदिर में आप जाओ तो प्रसाद खा ले, वहां पे कुछ मीन्स कोई भी मीन्स कुछ भी आपको प्लास्टिक में या कोई भी कुछ भी चीज में से आपको प्रसाद दिया हो और आपने खा के उधर फेंक दिया, नहीं, वहां पे डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालो। अपना जो अभी आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ भी आपने फ्रूटी कुछ भी आपने पिया हो, कुछ भी चीज आपने खाया पिया हो, तो वहां जाके गंदगी नहीं करना चाहिए। तो वो आपके तरफ से, ऐसा नहीं कि दूसरों लोगों ने किया तो उनका भी क्लीन करो, नहीं, आपने किया हो तो आप उसी जगह पे आप क्लीन करो, यानी कचरा आप डाल सकते हो डस्टबिन में, ठीक है। वी मस्ट कीप अवर नेबरहुड क्लीन एंड लास्ट इज वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर अगर आपके नेबर्स को कुछ भी आपके तरफ से कुछ भी आपसे हेल्प मांगते हैं तो उनको भी हेल्प करने के लिए कोशिश करना, ठीक है। सो दिस आर द चैप्टर नंबर 1 अवर नेबरहुड। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर नंबर 1 अवर नेबरहुड इन मींस फ्रॉम सनशाइन टेक्सटबुक टर्म 2। मैं फिर से बता रही हूँ, आपका होमवर्क है आपको रीड करना है चैप्टर नंबर 1 अवर नेबरहुड। ओके, सी यू देन, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।